प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फोटोन बूस्ट ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। ये राजू ये श्याम ये कहाँ रे बाबा सब लोग अरे सब लोग इधर आओ रे बाबा मैं लक्ष्मी चिट फंड वाले के पास गया वो मेरे को बोली वो उसमें पैसे जमा कराओ और उसका स्क्वायर लेके जाओ स्क्वायर के उतर देवा कोई मेरे को बताएगा ये राजू ये बाबा स्क्वायर निकालना बता दो रे बाबा बाबू भैया मैं रोहित हाँ राजू भैया तो नेशनलिज्म पढ़ने गए नेशनलिज्म इन यूरोप हाँ मैं बताता हूँ अगर आपको स्क्वायर सीखना है तो आप फोटोन बूस्ट पे जाओ मैंने भी वहीं से सीखी है और मैं अपनी क्लास का टॉपर हूँ हाँ वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट पे। टिक टिक वन टिक टिक टू टिक टिक थ्री और क्वेश्चन सॉल्व। जी हाँ फ्रेंड्स आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर निकालना और बिल्कुल इतने ही समय में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ स्क्वायर निकालने की ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिससे आप मात्र 3 से 4 सेकंड में सारे स्क्वायर 1 से लेकर 1000 तक सॉल्व कर पाएंगे। और फ्रेंड्स इस ट्रिक को हमने 2 पार्ट में बांटा है 1 से लेकर 100 तक के लिए और 101 से लेकर 1000 तक के लिए। दोनों ट्रिक हम देखेंगे साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे इन दोनों ट्रिक का आपस में इंटरकनेक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स बहुत ही मजा आने वाला है बहुत ही फन होने वाला है आज के इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं 1 से लेकर 100 तक के नंबर का स्क्वायर करना। ये 4 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ जाएगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 2 नंबर का स्क्वायर है मुझे इस नंबर यानी कि लास्ट नंबर का स्क्वायर लिख देना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे क्या करना है इसका स्क्वायर भी लिख देना है 81। इसके बाद मुझे क्या करना है मुझे इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है मतलब 9 × 7 × 2 9 × 7 होते हैं 63 63 × 2 होते हैं 126। अब एक छोटी सी चीज याद रखिएगा पहली डिजिट को छोड़कर पहली संख्या को छोड़कर इस मल्टीप्लिकेशन को लिख दीजिए दैट मीन्स 126 और इसे ऐड कर दीजिए जी 9 यस आगे स्क्वायर इतना इजी है बिल्कुल इतना ही इजी है। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ पहले यूनिट प्लेस की जो भी नंबर है इसका स्क्वायर लिखिए उसके बाद इसका स्क्वायर लिखिए फिर 9 और 7 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन साथ में 2 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी आंसर आया है उसे एक संख्या छोड़कर लिख दीजिए ऐड कर दीजिए आपका स्क्वायर आपके पास है। दोबारा हम ट्राई कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3 का स्क्वायर 9। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब भी हम स्क्वायर की बात करते हैं हम 2 डिजिट लेंगे। अगर स्क्वायर सिंगल डिजिट में आता है तब हम 2 डिजिट लेंगे। 3 का स्क्वायर कर देंगे हम 9 4 का स्क्वायर कर देंगे हम 16 4 3 12 24 एक डिजिट छोड़कर लिखना है 24 एक डिजिट छोड़कर 24 लिखा ऐड कर दिया आगे स्क्वायर। दोबारा हम यही काम करते हैं 9 का स्क्वायर करेंगे 81 6 का स्क्वायर करेंगे 36 9 6 54 × 2 दैट इज 108 एक नंबर छोड़ के लिख दीजिए 108 आगे स्क्वायर। वापस से मैं यही करता हूँ 4 का स्क्वायर करेंगे 16 8 का स्क्वायर करेंगे 64 8 × 32 = 64 एक संख्या छोड़ के लिख दीजिए 64 6 5 कितना सिंपल है। इन 4 एग्जाम्पल में हमने 1 से लेकर 100 तक के सभी नंबर के स्क्वायर हम इस ट्रिक से कर सकेंगे। कैसी लगी आपको ये ट्रिक। तो चलिए आगे हम अपनी दूसरी ट्रिक पे चलते हैं जिसमें हम देखेंगे 100 से ऊपर वाले नंबर के लिए स्क्वायर कैसे करेंगे। दोस्तों चलते हैं हमारी दूसरी ट्रिक पे जिसमें कि हम स्क्वायर निकालने वाले हैं 100 से लेकर 1000 तक किसी भी नंबर का। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए ले लिए हैं चलिए देखते हैं। 187 का स्क्वायर मुझे निकालना है तो सबसे पहले मैं वो नंबर सोचूंगा जो 187 के पास है और उसमें 0 है यानी कि 190 बिल्कुल 190 भी ले सकते हैं 200 भी ले सकते हैं। मैं 200 लेके सॉल्व करने वाला हूँ। इसका एक रीजन है क्योंकि जितने नंबर ऑफ जीरो ज्यादा वाली नंबर आप लोगे 200 में 2 जीरो होते हैं अगर मैं 200 लूंगा तो मेरी कैलकुलेशंस इजी रहेंगी और मेरा टाइम और बचेगा। तो फॉर एग्जाम्पल 187 का स्क्वायर मुझे करना है तो मैं इसके आसपास वाली नंबर जिसमें कि मैक्सिमम 0 हो वो मैं सोच लेता हूँ वो मैंने सोच ली 200 है। 200 तक पहुंचाने के लिए 187 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा 13 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैंने 13 ऐड किया है तो मैं 13 को सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। यहां तक का काम बहुत ही आसान है दोस्तों
इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये जो नंबर हमने ली है इसका स्क्वायर अलग से रख देना है। एक छोटी सी बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जो नंबर आप यहाँ पर लेंगे कोशिश कीजिएगा उसका स्क्वायर आपको पता हो, इसी अकॉर्डिंगली नंबर लेनी है। साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना है कि नंबर ऑफ जीरो जितनी ज्यादा हो सके उससे आप करेंगे आपकी कैलकुलेशन और भी फास्ट हो जाएगी। तो आप देखिए 187 200 तक पहुंचने के लिए मुझे प्लस 13 करना था, अगर मैंने प्लस 13 किया तो मैंने माइनस 13 भी यहां पर कर दिया। इसके बाद का काम, जो ये नंबर मैंने ली थी जो भी हो ये नंबर उसका स्क्वायर मैंने अलग से रख दिया, इसका यूज आएगा आगे मैं आपको बताता हूं। अब हमें क्या करना है, मुझे इस प्लस 13 माइनस 13 का स्क्वायर मैंने यहां पर लिख दिया। आगे का काम, एक 187 को मैंने 13 प्लस कर दिया तो कितना आ गया 200, और 187 में से 13 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 174। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। कोई डाउट दोबारा से देख लीजिए, 187 में जो प्लस 13 थी करके लिख दिया 200 आ गया, 187 में माइनस 13 थी करके लिख दिया 174, 174 आ गया है। अब देखिए इस वाले मल्टीप्लीकेशन में मेरे पास नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, दो हैं। अगर दो हैं तो इस वाले में से मैं दो डिजिट लूंगा, अगर एक है तो एक डिजिट लूंगा, बाकी सब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये दो जीरो एक्स्ट्रा आ गई तो मैं इसको हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये दोनों कट गए। अब मैंने आपको बोला दो जीरो है तो कितनी डिजिट लोगे आप, दो डिजिट लोगे, और ये कहाँ चला जाएगा कैरी में। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 174 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 348। इसके बाद 69 आपने ऑलरेडी लिख दिया, ये 1 कैरी हो जाएगा, नेक्स्ट कैरी हो जाएगा का मतलब 1 यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये मैंने 1 यहाँ जोड़ दिया, 96943 ये इसका स्क्वायर निकल के आ गया। एक बार के लिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं, सबसे पहले नंबर दे रखी है इसका स्क्वायर निकाला है, उसके आगे आसपास की वो नंबर सोचूंगा जिसमें कि जीरो ज्यादा होंगे। 200 मैंने सोच लिया, 200 को बनाने के लिए मुझे प्लस 13 करना पड़ा, माइनस 13 करना पड़ा, माइनस 13 प्लस 13 दोनों कट दिया, 13 का स्क्वायर मैंने यहाँ 169 यहाँ रख दिया। इसके बाद 187 प्लस 13 200 यहाँ लिख दिया, 187 माइनस 13 174 यहाँ लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दो जीरो थे तो मैं इस वाले स्क्वायर में से सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट लूंगा, एक कैरी करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिखा, ये 1 कैरी हो गया, ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 8 में जुड़ गया, 9 हो गया, और बाकी 69 मैंने एज इट इज लिख दिया, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं है तो दूसरे एग्जांपल से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दोस्तों क्या करना है, हमें देखनी है इसके आसपास ऐसे नंबर जिसमें कि जीरो मैक्सिमम हो और जो डिफरेंस होगा ना उसका स्क्वायर भी मुझे पता होना चाहिए। तो चलिए 600 ले लेते हैं, 600 लेके भी कर सकते हैं आप, 620 लेके भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप करके देख लीजिएगा। मैं 600 लेके सॉल्व करता हूं एक बार। अब मुझे इसमें प्लस 21 करने पड़ेंगे, मैंने माइनस 21 कर दिया, 21 का स्क्वायर मुझे लिखना था, 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है, 21 का स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब 621 में 21 प्लस कर दीजिए 642 आ गया, और 621 में से 21 माइनस कर दीजिए 600 आ गया। अगेन दो जीरो है, मैं इसमें से दो नंबर लूंगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ये ध्यान रखना। इसके बाद दो जीरो है, दो जीरो को हटाने के लिए मैंने दो जीरो से डिवाइड कर दिया, 100 से 100 खत्म, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 612 125 23852। इसके बाद में 41 तो लिखना ही है, 4 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, यानी 4 मैंने यहाँ लिख दिया, आपका आंसर आ गया 416583। इतना ही सिंपल है दोस्तों। इसके अलावा हम एक और दो तीन एग्जांपल और लेके सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगी ट्रिक, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमारे मेल आईडी पे भी हमें डाउट लिख सकते हैं, मैं आपके पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा, उसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों एक और एग्जाम्पल से हम लोग 3 डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिया है 544 का स्क्वायर। तो हमें पहला काम क्या करना है, हमें 544 के पास में कोई नंबर देखनी है जिसमें जीरो हो। अब अभी तक अभी हम 100, 200, 300 इसी तरह से ब्रेक कर रहे थे, 544 को भी आप चाहें तो 500 करके ब्रेक कर सकते हैं, पर 44 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। जनरली 44 का स्क्वायर हम याद नहीं रखते हैं, तो अब एक काम करते हैं, इसे हम 550 में ब्रेक करते हैं। 550 में ब्रेक करने का मतलब है आप यहाँ पे एक काम कीजिए, प्लस 6 कर दीजिए, साथ ही साथ माइनस 6 कर दीजिए, और 6 का स्क्वायर निकाल के यहाँ पर रख दीजिए। आगे का काम बिल्कुल पहले जैसा ही है, इसको प्लस कीजिए, दिस इज 550, दिस इज 5, इसको माइनस करेंगे तो दिस इज 538। अब एक जीरो है तो एक डिजिट लेनी चाहिए थी हमें, पर एक काम करते हैं ना, ये जीरो हटाने के लिए हम एक जीरो तो लेते ही, लेकिन हम इस पॉइंट में लिख लेंगे तो एक जीरो और आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम 5.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
अब अगर मैं दो डिजिट लिख रहा हूँ तो ये दोनों की दोनों मेरे आंसर में एज इट इज कॉपी हो जाएंगी। सिंपल, मुझे क्या करना है 5.5 से 538 को मल्टीप्लाई करना है। 5.5 को भी मैं लिख सकता हूँ 11/2 और 538 इसे आप चाहे तो कैंसिल कर दीजिए। दिस इज 2629। 269 को 11 से मल्टीप्लाई करना है मुझे। दिस इज 2959। तो ये आ गया मेरा 2959 और ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा। कोई कैरी नहीं होगी इस बार क्योंकि मैं वापस से 200 ले, मतलब 20 ले लिए है मैंने, 100 से डिवाइड किया और मैंने इसको पॉइंट में लिखा है। तो ये एज इट इज आ जाएगा और ये निकल कर आ गया मेरा स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, कुछ कुछ क्वेश्चन में ये ट्रिक थोड़ी सी लेंदी हो सकती है पर ये ट्रिक 1 से लेकर 1000 तक के सभी स्क्वायर के लिए वर्क करेगी। अब आप ये भी पूछ सकते हैं सर ये क्या ट्रिक है, प्लस करना माइनस करना उसका स्क्वायर करना इतना सा कैसे याद रखें। फ्रेंड्स मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये मैथ्स का ही एक बेसिक है। मैथ्स के बेसिक में से ही एक ट्रिक निकाली हुई है कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए। तो अब हम बात करेंगे इसके पीछे के राज पे। जी हाँ, अब हम इसके पीछे का राज भी आपके सामने खोल देते हैं। तो देखिए अगला, अब मैं बताने वाला हूं आपको कि इस पर्टिकुलर मेथड के पीछे कौन सा फॉर्मूला है जो वर्क कर रहा है। देखिए ए स्क्वायर, अगर मैं ए स्क्वायर की बात करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी प्लस डी स्क्वायर। कैसे, देखिए ए प्लस डी और ए माइनस डी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। साथ में मैं प्लस कर दू डी स्क्वायर तो ये और ये कैंसिल होकर क्या बन गया ए स्क्वायर। जी हाँ, ये डी कुछ नहीं है, ये डी यही है जो डिफरेंस है। तो एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा, मल्टीप्लाई किया जो कि हमने यहाँ पे किया, प्लस डी स्क्वायर, ये डी का स्क्वायर किया जो हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो बेसिकली ये भी मैथ्स का एक फॉर्मूला ही है कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। जब ए की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो उसका स्क्वायर निकालना थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा लेंदियर हो सकता है। इसीलिए हम ए प्लस डी ए माइनस डी करके ये फॉर्मूला बना के साथ में प्लस डी स्क्वायर भी ऐड कर दें तो वो जो आंसर निकल के आएगा वो ए स्क्वायर के ही बराबर होगा। तो इस तरीके से हम इस ट्रिक को तो समझ ही सकते हैं, साथ ही साथ इस ट्रिक के पीछे की राज की बात भी हम जान सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि पहली ट्रिक और दूसरी ट्रिक, क्या पहली ट्रिक दूसरी ट्रिक की जगह अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या दूसरी ट्रिक पहले ट्रिक की जगह अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं दो एग्जांपल लेने वाला हूं जिसमें मैं आपको यही बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, इसे समझने के लिए हम दो एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल 76 का स्क्वायर, दूसरा 117 का स्क्वायर। 76 के स्क्वायर को मुझे सॉल्व करना है पर मैं इसे करूंगा 100 से लेके 1000 वाली जो ट्रिक थी उस मेथड से, और सिमिलरली इसे मैं करूंगा 100 से कम वाली ट्रिक से। तो देखते हैं 76 से कम या 76 के आसपास कौन सी नंबर है जिसमें जीरो है, 70। चलिए 70 ले लेते हैं। 70 अगर मैं लेता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस 6 और माइनस 6। 6 का स्क्वायर आपको पता ही है, हमेशा की तरह हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप सेम टू सेम है, 76 और 6 को प्लस कर दीजिए, दिस इज 82। 76 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 70। यहाँ पर एक जीरो है तो ये वाली एक नंबर लेंगे, ये कहाँ जाएगा कैरी फॉरवर्ड में। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 × 14 = 1, दिस इज 574। 6 आप एज इट इज लिख दीजिए और ये 3 जो है ये कैरी फॉरवर्ड में आएगा इसके, यानी कि 3 को मैंने यहाँ लिख दिया, आंसर आ गया 6775, यानी कि 5776 इज द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। सेम इसी तरीके से अगर हम इसे करें, हमने क्या पढ़ा था 100 से कम वाली ट्रिक में, इसका स्क्वायर कर दीजिए ये कितना हो जाएगा 49, इसका स्क्वायर कर दीजिए ये हो जाएगा 121। उसके बाद हम क्या करते थे 11, 7 और 2 इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11, 7, 77 × 2 दैट इज 154। एक नंबर छोड़कर लिख दीजिए, आपका आंसर आ चुका है 13689। कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फोटोन बूस्ट को। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं, आपको फिर भी डाउट आता है तो प्लीज हमारे मेल आईडी पे अपने डाउट शेयर कीजिए, मैं पर्सनली उसे सॉल्व करूंगा और इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो एक सेशन में मैं दोबारा ले सकता हूं। हमारा मेल आईडी है photonboost@gmail.com और आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए फर्दर अपडेट्स के लिए। फर्दर अपडेट्स के लिए मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि प्लीज प्रेस द बेल आइकन और बने रहिए हमारे साथ एक नए भविष्य की शुरुआत।